ओम शांति। आपका प्रश्न है, ओम और राम में क्या अंतर है? कैसा अंतर आप जानना चाहते हैं? अंतर के आधार भी क्या हो सकते हैं, वो आपने नहीं बताया। फिर भी यदि हम शब्दों के हिसाब से देखें तो दोनों शब्द अपने आप में अलग अलग हैं। ओम का उच्चारण अलग है, राम का उच्चारण अलग है, और शब्दों के अर्थ के हिसाब से भी देखें तो ओम के 108 जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं वो एक ही बात को शो करते हैं, ज्योति, अग्नि, हिरण्यगर्भ, वारी आदि आदि, कि परमात्मा एक ज्योति है जो सुनहरे रंग का है, ईश्वर है, परमात्मा है। राम शब्द तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कौन सा राम। आज दुनिया में कितनों ने अपने नाम राम रखे हुए हैं। एक दशरथ का बेटा भी राम है, और तुलसीदास जी खुद लिखते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, तो कण कण में जरे जरे में समाया हुआ है, एक राम सकल जग पसारा, एक राम जग से न्यारा, एक घट घट लेटा कण कण में राम, एक सकल जग पसारा, सारा संसार ही राम है। राम में संसार है, संसार में राम है। चौथा, एक राम जग से न्यारा। कौन से राम की बात की जा रही है? तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, ओम, ज्योति, ओम उस निराकार, अशरीरी, अजन्मा, अयोनि परमात्मा का यादगार है, और वो परमपिता परमात्मा जग से न्यारा है। जग से न्यारा होने का मतलब उनका शरीर नहीं है, उनका हमारे जैसा शरीर नहीं है, उनका नाम रूप न्यारा है। गलती से दुनिया वालों ने कहा नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा माना उसका नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, परंतु परमपिता परमात्मा कहते मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है, परंतु मेरा नाम, मेरा रूप आपसे न्यारा है। आप देहधारी हैं, मेरा देह नहीं, मेरा रूप है ज्योति बिंदु सूक्ष्म अति सूक्ष्म। मेरा रूप तुम्हारे माफिक नहीं है, मेरा नाम शरीर पर नहीं है, तुम्हारे नाम शरीर पर है, मेरा नाम मेरे ज्योति बिंदु रूप पर नाम है, आत्मा का नाम। तो परम पिता परमात्मा शिव आकर कहते मैं राम भी हूं, मैं ओम भी हूं, परंतु मैं हूं
न्यारा और प्यारा, सर्व आत्माओं से न्यारा और सर्व आत्माओं का प्यारा। ओम शांति। आपको और विस्तार से समझना हो तो संपर्क करें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, या आपका कोई प्रश्न है तो 921-06-986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।